हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडियन रसोई। फ्रेंड्स, मैं हूं कोसला चौधरी और आज मैं इस वीडियो में आपको बिना घी या तेल का तड़का लगाए सब्जी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। यह कोई एक रेसिपी नहीं है, इसे फॉलो करके आप किसी भी तरह की सब्जी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी और इसे खाते समय आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस सब्जी को बिना तड़का लगाए बनाया गया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनेगी, तो आप भी यह टेस्टी और हेल्दी रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा लें। तो अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप हरे मटर के दाने, 4 हम लेंगे गाजर, इन्हें साफ पानी से धोकर लेनी है लेकिन छिलका नहीं उतारना है, 250 ग्राम हम लेंगे पत्ता गोभी, इसे भी पानी से धोकर लिया है। आप सीजन और उपलब्धता के हिसाब से कोई भी सब्जी ले सकते हैं, लेकिन सब्जी बनाने का तरीका यही रहेगा। अब हम सब्जी काट कर तैयार करेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी सब्जी को काटने के बाद कभी भी नहीं धोना चाहिए, उसे काटने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए, क्योंकि सब्जियों में से जो रस निकलता है काटने के बाद धोने से यह रस पानी के साथ बह जाता है और फिर ऐसी सब्जियां खाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो अब हम सबसे पहले गाजर को काट लेते हैं। इसे बारीक ही काटना है। गाजर काट लिए, अब हम पत्ता गोभी भी काट लेते हैं। पत्ता गोभी को भी इस तरह से बारीक काटना है। सारी सब्जी काटकर तैयार कर ली है। अब हम एक कुकर लेंगे। कुकर में हम यह तीनों सब्जी डाल देते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप नया कुकर खरीदे तो स्टील का ही खरीदना, एल्यूमिनियम का कुकर हमारी सेहत के लिए खतरनाक होता है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी इतना ही डालना है जितने में सब्जियां अच्छी तरह से उबल जाए। अब हम कुकर पर ढक्कन लगाकर कुकर की एक सीटी आने तक इन सब्जियों को उबाल लेते हैं। एक सीटी आने तक सब्जियों को उबाल लिया है, अब हम कुकर का ढक्कन हटा लेते हैं। सब्जियों में से पानी को अलग बाउल में निकाल लेते हैं और सब्जियों को भी कुकर से बाहर निकाल लेते हैं। सब्जियों का पानी अलग कर लिया है, अब हम इस पानी को मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अगर आपको पानी ज्यादा लगे तो सारा पानी मत डालें। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटे हुए लाल टमाटर, 8 से 10 कड़ी पत्ते, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 इसमें हम डालेंगे कच्चा नारियल। चाकू से काट लेते हैं। एक चम्मच इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक। पानी सहित इसमें हमने 7 चीजें डाल दी है। अब हम इस पर ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लेते हैं। मसालों की ग्रेवी तैयार है, इसे हम इन उबली हुई सब्जियों में डाल देते हैं। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। यह सब्जी खाते समय आपको इसके टेस्ट से बिल्कुल नहीं लगेगा कि यह बिना तड़का लगाए बनाई हुई सब्जी है। थोड़ी सी हम इस पर डाल देते हैं हरा धनिया पत्ती। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है बिना तड़के की सब्जी। आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।